हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ध्यान से सुने, और यहाँ से हम ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में यहाँ पर क्या बताएंगे कि ऑर्बिट एंड व्हाट आर क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी टाइप्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। एंड दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्बिटल, और फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम ऑर्बिटल ऑर्बिटल के केस। ये दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा, ये आपको जो है ऑर्बिटल का ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर होना चाहिए। तो ये इसको क्लियर करने के लिए, इट इज़ 3D रीजन अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दोस्तों ये क्या होता है हमारा ऑर्बिटल, इट इज़ 3D रीजन अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इट इज़ अप्रोबेबल वॉल्यूम एट मैट्रिक रीजन एट द वैल्यू ऑफ साइज ओके इक्वल टू मैक्सिमम पर। दोस्तों जब हमारा साइज वेरिएबल मैक्सिमम हो जाता है दोस्तों, उस केस में हमारा क्या होता है ऑर्बिटल के केस में, यहाँ पर हमको मैक्सिमम दोस्तों, वहाँ पर हमारा मैक्सिमम होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और यहाँ से आगे चलते हैं ऑर्बिट। अब ऑर्बिट में दोस्तों ये होता है हमारा, इट इज़ ए सर्कुलर पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल, इट इज़ अप्रोबेबल वेयर इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म। दोस्तों ये एक ऐसा पाथ है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है दोस्तों। एंड ऑर्बिट, ऑर्बिट से आपका क्या मतलब, ऑर्बिट्स इट रिप्रेजेंट्स थ्री टू डी मोशन। ये हमारा जो मोशन है उसको 2D मोशन में ये हमारा शो होता है, जबकि ऑर्बिटल हमारा 3D मोशन में हमारा शो होता है। दोस्तों ये हमारा एक कॉमन से कॉन्सेप्ट, इट इज ओवरऑल नॉन डायरेक्शनल कैन नॉट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री मॉलिक्यूल। दोस्तों ये हमारा है, ये नॉन डायरेक्शन होते हैं क्या, ऑर्बिट हमारे नॉन डायरेक्शन होते हैं और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और दोस्तों ये कैन नॉट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री मॉलिक्यूल, और इस ज्योमेट्री मॉलिक्यूल में हमारी कोई भी सहायता नहीं करती। इन ऑर्बिटल के केस में इट इज़ पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेल्प प्रोडक्शन ज्योमेट्री मॉलिक्यूल। दोस्तों ये हमारी जो ज्योमेट्री है उसको बनाने में हमारी सहायता करते हैं इन दी ऑर्बिटल के केस में। दोस्तों इन ऑर्बिटल के केस में हम और किस देख लेते हैं, ऑल ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू भोर एज्यूम टू सर्कुलर। दोस्तों जितने भी जो भोर ने हमारे जो ऑर्बिट है, वो भोर ने ही इसकी डिस्कवरी की थी, और भोर ने जो भी ऑर्बिट थे उनको क्या 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 एज्यूम किया था, जो ये क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। और दोस्तों ऑर्बिटल डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप्स एंड गाइज, ऑर्बिट में दोस्तों, और इसके जो हमारे ऑर्बिट है ऑर्बिटल होते हैं, ये डिफरेंट साइज के होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट आर डिफरेंट इन कैलकुलेटेड बाई 2n स्क्वेयर। इसे हम 2n स्क्वेयर से कैलकुलेट करते हैं बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। और जो ऑर्बिटल में होते हैं दोस्तों, ऑर्बिटल में हमारे 2 होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर आप सभी कुछ बताया दिया होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखी, यहाँ पर हमने साइज स्क्वेयर इक्वल टू मैक्सिमम। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑर्बिटल में हमारे 3D रीजन में अप्लाई होते हैं, और ये हमारा ऑर्बिट हमारा सर्कुलर होता है दोस्तों, और जबकि ये हमारा इसका हमारा अप्रोबेबल होता है दोस्तों ये, और हमारा ऑर्बिट 2D होता है, ये 3D होता है दोस्तों। ये नॉन डायरेक्शनल होती है ऑर्बिट में, एंड ऑर्बिटल में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो हमारी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल बनाने में सहायता करती है। और ऑर्बिट ऑल ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू एज्यूम टू सर्कुलर। दोस्तों यहाँ पर ये सर्कुलर और डिफरेंट शेप होते हैं, और इसमें हमारी जो डिफरेंस है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में बाई दी 2n स्क्वेयर एंड 2k जो इसमें ऑर्बिटल होते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं क्वांटम नंबर्स। दोस्तों क्वांटम नंबर्स से कैसी जो हमारी एक चीज है, जो क्वांटम नंबर्स आर मेनली लाई इन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हमारे रोल अदा करते हैं। तो एट क्वांटम नंबर्स के जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे दोस्तों, दे आर सर्टेन नंबर्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। दोस्तों ये क्या होते हैं हमारे क्वांटम नंबर, इसमें हमारे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं दोस्तों। दीज आर 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आउट ऑफ विच फर्स्ट 3 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दोस्तों इसमें जो हमारे फर्स्ट 3 होते हैं और अदर देन स्पिन क्वांटम नंबर। दोस्तों पहले हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आ जाते हैं, और कंप्लीट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन्फॉर्मेशन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एनी पॉइंट। दोस्तों और यहाँ से हमारा चल जाता है, इट आल्सो गिव्स आइडिया एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों ये हमारे आइडिया देते हैं। और हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कौन कौन से हमारे क्वांटम नंबर होते हैं और उसके नाम क्या क्या होता है। दोस्तों देयर आर 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, और जो उसके 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एन एन एज यू मिथाइल क्वांटम नंबर दोस्तों, इससे हमें इसका सिंबल है दोस्तों एन, एन से हम इसे शो करते हैं, एज मिथाइल क्वांटम नंबर को दोस्तों हम एल से शो करते हैं, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं एम और एम एज से, और जो स्पिन क्वांटम नंबर दोस्तों इसे हम शो करते हैं एस एंड एम एस से। दोस्तों हम इनको आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, और यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप सभी को जानने के लिए एक हमार फील्ड ने जो मॉडिफाइड की थी, हम आप सभी को ऑर्बिटल के ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाला केस बता रहे थे, तो उसको हम आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पर एक कुछ एक्सपेंडिंग और इन दी फॉर्म में कुछ समझाकर समर फील्ड जो मॉडिफाइड जो थ्योरी थी दोस्तों उसको समझाएंगे। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि क्वांटम नंबर का एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे जैसे कि आप सभी के घर में क्या होती है, एक होम होता है, यानी होम आप अपने घर में जाएंगे तो एक होम होता है दोस्तों, और होम के बाद उसमें क्या होता है, एक आप जो आप जब भी कमरे में जाते हैं, यानी हमारा आपका आपके होम में क्या होता है, आपके यहाँ होम यानी घर में क्या होता है दोस्तों, कमरे ही तो होते हैं कमरे, और कमरे में दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों आप सभी को समझाने के लिए, यहाँ पर आप इसे ध्यान से सुनना दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और रूम में क्या होगी दोस्तों, अलमीरा, एंड अलमीरा में क्या होगी दोस्तों, बुक, अलमीरा में क्या होगी दोस्तों, बुक। एंड गाइस यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता दें कि हमने यहाँ पर होम क्या मान लिया दोस्तों, होम होती है हमने मान लिया सेल, एंड दोस्तों रूम को क्या मान लिया हमने, रूम को मान लिया दोस्तों हमने सब सेल, यानी ये होम का एक छोटा पार्ट है रूम, तो यहाँ पर ये हो गया कि हमारी सब सेल, सब सेल। एंड दोस्तों इसे हमने अलमीरा, अलमीरा क्या है उसमें कहने, अलमीरा जो उसमें है जैसे कि हमारे रूम के केस में अलमीरा है दोस्तों, इसी इसके केस में क्या है हमारा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल दोस्तों ये हमारा ऑर्बिटल है। एंड देन जो हमारी बुक है दोस्तों, बुक के केस में हम क्या लेंगे दोस्तों, ये होगी हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन के ये हमारे ये हो गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम इनको दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, सेल, सेल क्या होती है दोस्तों, सेल होती है हमारी एन, हमें इसे एन से दर्शाते हैं, एंड सब सेल दोस्तों सब सेल को हम दर्शाते हैं एल से, यानी और ऑर्बिटल को दर्शाते हैं दोस्तों, इसमें हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं उसको दर्शाते हैं एम एंड एम एल से दोस्तों, और जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इसे दर्शाते हैं हम एस एंड एम एस से दोस्तों। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये सिंपल सा यही है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे ही हैं जैसे कि एक कमरे, एक घर में कमरा और कमरे में अलमारी और अलमारी में बुक। दोस्तों आप सभी ने ये यहाँ पर सभी ने जान लिया होगा कि ये किस तरीके से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और ये हमारे किस तरीके से उसमें पाए जाते हैं इन दी सेल में, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पाए जाते हैं दोस्तों। और आगे की जानने के लिए हमें दोस्तों आगे वीडियो बनाई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मिथाइल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर दोस्तों, ये आप सभी चाहते हैं तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में लिंकों को डाल देंगे दोस्तों, और आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। एंड गाइज ये यहाँ पर क्वांटम नंबर्स, हमने आप सभी को क्वांटम नंबर्स में क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे जो हमारे क्या बताया कि ये जो फर्स्ट है ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं और ये हमारा नहीं करता, और हमने इससे पर फील्ड आपको बता दी दोस्तों, और इस वीडियो में हमने आप सभी को ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की केस हमने आप सभी को बताया है दोस्तों। यदि आप चाहें तो हम हमारे यदि ऐसे वीडियो के लिए दोस्तों हम आप सभी को आप सभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमने ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।